बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। जिस चोरे को बहन शिवाजी ले ले अपनी जान पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, आज उसी को पहन के निकला हम की मिट्टी ही थी जिस पर विश्वविख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुपति सहाय जी, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन मुद्रण गीता प्रेस में आज भी होता है। श्री जय दयाल गोविंदा जी और श्री घनश्याम दास जलान जी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है। क्षेत्र में भी विश्व विख्यात है। शहर से 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहां के शिल्पियों ने देश विदेश में कला का प्रदर्शन किया है। ये मूर्तियां एक खास मिट्टी से बनती है जो यहां गांव के तालाब से ली जाती है। बिना रंग मिलाए बनाई जाने वाली ये मूर्तियां एक विशेष तापमान पर पकाई जाती है कि इनका लाल रंग
वर्षों तक फीका नहीं पड़ता। 1885 में गोरखपुर रेल लाइन से जुड़ा और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बना। पर कितने लोग ये जानते हैं कि 2013 के विस्तारण के बाद गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1366.33 मीटर की लंबाई वाला ये प्लेटफॉर्म किसी को भी अचंभित कर देगा। जिम्मेदार नागरिक बनकर इस मिट्टी का ऋण चुकाएंगे।
इसी कामना के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ।